हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी, आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है सोशल हीलिंग विद शैरू। और आज मैं आपके लिए करने वाली हूं कृष्ण जन्म अष्टमी पर स्पेशल रीडिंग, आपके लव लाइफ में क्या आने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं आपके लव लाइफ में स्पेशल क्या आने वाला है। ये जनरल रीडिंग होगी गाइस, हर किसी रेजोनेट हो, ये ज़रूरी नहीं, जिससे भी रेजोनेट हो उसे रखना है, जिससे रेजोनेट ना हो उसे जाने देना है। और आज के जो टॉपिक पे रीडिंग होने वाली है, ये किसी भी धर्म की या जाति के स्पेशली नहीं है, ये सभी के लिए है, सारे इंसान इसको देख सकते हैं। सो इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, आप भी किसी भी धर्म से हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप हिंदू धर्म से हैं, किसी धर्म से हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पिक अप पाइल रखी हुई है, यहाँ पे मैंने दो डेक रखे हुए हैं, इनमें से कोई भी एक डेक आपको चूज़ कर लेना है। ये फर्स्ट डेक है और ये सेकेंड डेक है। ओके गाइज, सो अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, अपने जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म से आप हैं, उनके अपने अनुयायी यानी कि जिनको आप फॉलो करते हैं, भगवान और अल्लाह ईश्वर की तरह जिनको भी आप पूछते हैं, उनको याद करते हुए आपको इनमें से कोई भी एक पल चूज़ कर लेनी है। और आप इनमें से कोई भी एक पल चूज़ करके अपनी रीडिंग को उनके आपके टाइमिंग के अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, और आप सभी को दिल से, आपको और आपके पूरे परिवार को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों 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 शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपकी जन्माष्टमी बहुत शुभ रहे, लकी रहे, स्वस्थ रहे और आपका ये दिन बहुत अच्छा जाए। आप जो भी चाहते हैं, आपकी आज के दिन सारी विशेष पूरी हो जाएं और आज से ही आपके लाइफ में लक आना शुरू हो जाए। आप जो भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ को लेकर है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है, कम्प्लीट हो। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप अपनी कोई भी एक पायल चूज़ कर लीजिए। अगर अब तक आपने नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करें, आराम से आप अपनी वीडियो को चूज़ करें और अपने टाइम स्पेंड पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप सीधे अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ पायल फर्स्ट में। हेलो पायल फर्स्ट, कैसे हैं आप सब। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों 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 शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपका आज के दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे, आपकी हर विश पूरी हो आज के दिन, चाहे वो प्रेम से जुड़ी हो, चाहे वो आपके करियर से जुड़ी हो, चाहे वो आपकी फैमिली या हेल्थ से जुड़ी हो, आपकी हर विश पूरी हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आप बहुत खुश रहें और आपका आज का दिन बेहद अच्छे से जाए, शुभ जाए, सुरक्षित जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत खुश रहें आज के दिन और आपकी ज़िंदगी में ढेरों ब्लेसिंग्स आएँ, बहुत सारा लक आए आपकी ज़िंदगी में, ताकि आप अपनी लाइफ में हर एक सिचुएशन को हैंडल कर पाएँ और आपकी लाइफ से बहुत जल्दी खुशियाँ आ पाएँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को दिल से हैप्पी जन्माष्टमी और आपके पूरे परिवार को। ठीक है, मुझे भी ज़रूर कहें अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है, सो मेरे सारे भाई और बहनों को एक बार फिर से लव यू एंड हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी, लव यू गाइस। लेट्स सी जन्माष्टमी स्पेशल क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए। ये करंट फीलिंग नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नहीं है, यहाँ पे जो भी मैसेजेस मुझे चैनल होंगे वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लेकर, जो भी देख रहे हैं आप, मेल फीमेल सेम जेंडर या शादीशुदा गैर शादीशुदा, जो भी आप देख रहे हैं सभी को, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं गाइस, तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टा और ईमेल आईडी पर। ठीक है, दोनों ही मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। अगर आप अपनी हस्तरेखा के बारे में जानना चाहते हैं, आपके हाथों की लकीरों में क्या लिखा हुआ है, क्या है आपके आने वाला फ्यूचर, क्या है आपके फ्यूचर फैमिली, आपके बच्चों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप रीडिंग बुक करवा सकते हैं। उसकी लिंक भी, उसका व्हाट्सएप नंबर भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप सीधा अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर के लिए करंट मैसेजेस। कार्ड जितने शफल किए जाएं उतनी अच्छी रीडिंग आती है। ठीक है, तो पेशेंस रखें, मैं आप कार्ड लेने जा रही हूँ। पहला कार्ड है आपका टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एयर साइन है यहाँ पर आपका जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, थ्री ऑफ वॉन्स, फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस, टू ऑफ वॉन्स। ओके ओके, डबल टू ट्रिपल टू, या आपके पार्टनर के लिए चैनल मैसेजेस। ओ माय गुडनेस, सी टू टू टू, मैंने बोला ही था अभी, डबल टू या ट्रिपल टू दिख रहा होगा आपको।
ओके 222 रीयूनियन होने वाली है गाइस, आपके पार्टनर से आपकी, या किंग ऑफ वांड्स, फायर फायर फायर, व्हाट अ साइन कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, वाओ अगेन योर साइन, ये तो मुझे शफल करते टाइम भी दिखा था। बॉटम में देखते हैं, बॉटम में है आपका वाटर साइन, आई मीन टू से थ्री ऑफ कप्स, अर्थ साइन टॉरस कैप्रिकॉर्न टेन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल गाइस। ओके तो आपकी लाइफ में आने वाली है स्टेबिलिटी विद रीयूनियन गाइस, आपकी लाइफ में कोई वो इंसान वापस आ रहा है इस कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल पर जिसका आप बेसब्री से काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ओके फाइनली आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, एक फैसला होने वाला है। अगर आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से, जैसे कि यहाँ पे है टू ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है टू ऑफ वांड्स, ये दोनों एक कार्ड बताता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, और एक कार्ड बताता है फाइनली डिसीजन लिया गया कि भाई मिलना है। ठीक है तो आपके पार्टनर ने आपसे मिलने की आखिरकार हामी भर दी है, या फिर हो सकता है कि आपसे मिलें बहुत जल्दी और आप दोनों की मुलाकात हो, आप दोनों की मीटिंग हो, आप दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यहाँ पे रियूनियन होने का अगर टाइम मैं देखूँ तो दो नंबर यहाँ बहुत रिपीट हुआ है, तो या तो दो दिन हो सकते हैं, दो महीने, या फिर दो घंटे भी हो सकते हैं। दो मिनट मैं नहीं कहूँगी, दो मिनट तो मुझे लग रहा है उनमें एक या दो पर्सन के लिए दो मिनट हो सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे दो घंटे, दो दिन या दो महीने, इनसे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है इतने में आपका रिकंसिलिएशन रियूनियन हो जाएगा, लेकिन उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आप दोनों के बीच में, जो धीरे 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 जो स्टेप बाय स्टेप जो एनर्जीज नॉर्मल होनी है ना, वो होना आज से ही शुरू हो जाएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देखेंगे उसी दिन से आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर आपका पार्टनर आपसे काफ़ी पैसे लेने की डिमांड करता है, बिकॉज काफ़ी लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो कि बताते हैं कि भाई हमारा पार्टनर हमसे पैसे ले रहा है, और वो काफ़ी धमकियां देता है कि पैसों के चक्कर में तुमने नहीं दिया तो अपने पैसों को अपने पास रखो, मैं जा रहा हूँ फलाना ठिकाना, तरह की धमकी अगर आपको दे रहा है। बिकॉज मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन हाँ मेरे पास इस तरह के मैसेजेस आते हैं, एंड आई स्वेयर जिस तरह के मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ पर्सनली, मुझे बिकॉज हैं जो स्क्रीनशॉट भेजते हैं वो, तो मैं उनको एक इनडायरेक्टली मैसेज भेजना चाहूँगी, बिकॉज अब तो मैं उनको रिप्लाई भी नहीं देती हूँ, बिकॉज कहाँ तक आप किसी को समझाओगे। तो मैं इस वीडियो के द्वारा उन तक मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में अगर वो देख रही है तो, या देख रहे हैं तो, यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं, आप अंधे मत होइए उस इंसान के प्यार में, वो कितने गंदे तरीके से आपसे बात करता है, मैंने खुद मैसेजेस पढ़े हैं। प्लीज़ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले चुनिए, प्यार खुद से नहीं करोगे तो दुनिया से मांग कर क्या करोगे, बोलो। पहली एक ड्यूटी आपको आपकी खुद को लेकर बनती है, रिलेशनशिप बाद में आता है, पहले आप आते हो उस दुनिया में, तो पहला आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं सभी को बोल रही हूँ, मैं जितने भी लोग इस पाइल फर्स्ट को देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपका पार्टनर आपको ये बोल, आपको गलत सलत वर्ड यूज़ कर रहा है, आपको अब्यूज़ कर रहा है, लाइक गाली गलौच, आपको गंदे वर्ड बोलना, आपके परिवार को गंदे वर्ड बोलना, आपको कैरेक्टर लूज साबित कर देना, यू नो आप भले बहुत गंगा की तरह पवित्र हो आप, लेकिन फिर भी आपके ऊपर लांछन लगाना इस तरह का पार्टनर, आपसे पैसों की डिमांड करना, भले फीमेल हो या मेल हो, आपसे पैसों की डिमांड करना, पैसों के ना अगर आपने देने को मना कर दिया तो आपको गलत सलत बोलना, आपके आपको छोड़ने की धमकी देना, ये प्यार नहीं होता है, ये मोह माया कही जाती है, इसको कहा जाता है मोह माया। अगर मोह माया का वर्ड ना पता हो, डिटेल ना पता हो, तो जाएं गूगल पे सर्च करें, अगर आपको नहीं पता है मोह माया वर्ड क्या होता है तो जाएं गूगल पे देखें, आपको सब पता चल जाएगा मोह माया का मतलब क्या होता है। ठीक है यहाँ की एनर्जी जो है काफ़ी प्योर है, काफ़ी पवित्र है, लेकिन कुछ ऐसे मुझे व्यूअर्स हैं मेरे जो रेगुलर मुझे फॉलो करते हैं लेकिन मेरी बात को नहीं समझते, फिर मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, आप प्लीज़ बताएं, हम उसे खोना नहीं चाहते, प्लीज़ आप हमें बताएं। आप एक ही चीज़ को 10 बार दोहराओ ना तो आप बेवकूफ़ हो ना बताने वाला बेवकूफ़ है, तो सिचुएशन को समझो कि आपके सामने वाला आपको क्या बताना चाह रहा है, आपको इग्नोर क्यों कर रहा है। ठीक है जिस दिन आप ये समझना सीख गए ना, उस दिन आपकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आएगा सीरियसली, और आप ना तो खुद से दुखी रहोगे ना आपसे कोई दुखी रहेगा, जिस दिन आप बिना कहे सिचुएशन को समझना सीख गए।
आई होप कि जिनके लिए मैंने मैसेज भेजा वो समझ गई हों कि बेतरफ से ना है भाई जिस इंसान के आप स्क्रीनशॉट मुझे भेज रही हैं या भेज रहे हैं, मेरी तरफ से टोटली ना है। वो इंसान डिज़र्व नहीं करता आपके जैसा पार्टनर, और वो इतना गंदा गंदा आपको बोलता है। अगर जो भी आप मुझे देख रहे हैं, अगर आपका पार्टनर आपके लिए अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करता है, गालियाँ वगैरह देता है, तो ऐसे इंसान को टोटली ना करें। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठोकर मार रहे हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि अदर पर्सन उस सेल्फ रिस्पेक्ट को आके अच्छे से संभाल कर रखेगा शोकेस में? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ हो, दुनिया में कोई नहीं है ऐसा भाई, ठीक है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले नंबर पे होनी चाहिए। अगर आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में आपको पुट कर रहा है, फिर भी आप ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो, तो आप मूर्ता दिखा रहे हो। सीरियसली, आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में है, इंजॉय कर रहा है, अल्कोहल का सेवन कर रहा है, फिजिकल रिलेशंस बना रहा है, आपको कभी कमिटमेंट नहीं देता, यहाँ तक कि आपको तो एज अ फ्रेंड भी कभी ट्रीट नहीं करता, फिर भी अपने सालों पे साल, महीने पे महीने आप ख़त्म करते जा रहे हो। तो आपके यूनिवर्स आज के जो स्पेशल है, जन्माष्टमी स्पेशल में जो आज की रीडिंग है, वहाँ पे आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि यहाँ पे आप अपने लिए हो, अपने लिए स्टैंड लें, अब आप अपने लिए आगे बढ़ें। बहुत सोच लिया आपने दूसरों के लिए, बहुत सोच लिया आपने अब पार्टनर के बारे में, अब बारी है खुद के बारे में सोचने की, ठीक है। जिस दिन आप अपने बारे में सोचने लगेंगे, आपकी लाइफ में वो इंसान आएगा जो भगवान ने आपके लिए चुना है। मैं ये नहीं कहूँगी आपका पार्टनर आएगा कि एक्स आएगा कि नेक्स्ट आएगा, मैं कहूँगी कि जिसको आपके भगवान, आपके ईश्वर, आपके अल्लाह, आपके गुरु, वाहेगुरु, जो भी आप देख रहे हैं, आपके लिए चुना होगा, वो आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा, लेकिन सरेंडर करने के बाद, सेल्फ लव में आगे बढ़ने के बाद। अदरवाइज़ भूल जाएं आप, और आप किसी ऐसे टॉक्सिक पर्सन के पीछे पीछे भाग रहे हैं जो आप ही के गले का फंदा बना हुआ है, जस्ट बिकॉज कि आप उससे प्यार करते हो और वो आपका सिर्फ यूज़ कर रहा है, तो इसको प्यार नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है मोह माया। और मोह माया में इंसान अंधा हो जाता है, उसको नहीं पता पड़ता कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। मोह माया में इंसान पढ़ के गलत चीज़ों को भी अपने नज़रिए से सही साबित करके उनके ऊपर बिलीव करता है, और उनको सही साबित करके उन पर उनको फॉलो करता है उन एनर्जीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सा काम करना है, आपको अंधा नहीं होना है, ठीक है। मोह माया में आपको नहीं रहना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनना है, किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी में आना है आपको। जैसे ही आप इस एनर्जी में आओगे, आपकी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी, आपकी लाइफ में किंग ऑफ कप्स आएगा, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी, सेलिब्रेशंस आएंगे, ट्रू पार्टनर आएगा जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा। माय डार्लिंग, समझो मेरे बच्चों, समझो, आपके ईश्वर, आपके भगवान, जिसने भी आपको इस धरती पर भेजा है, वो यहाँ पे आपको भेजने के बाद लापरवाह नहीं हुए हैं। हर एक एक सेकंड पे उनकी नज़र है। हो सकता है कि आपको, आप में से काफ़ी लोगों को ये फील होता हो कि उनके आसपास कोई ऐसी एनर्जी है, एक अदृश्य शक्ति है जो उनको देख रही है, ठीक है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा लगता हो कि कोई अदृश्य शक्ति है, कुछ अदृश्य निगाहें जो हैं आपके ऊपर रखी हुई हैं, बिल्कुल टक से, मतलब एक चित्त होकर कोई आपको देख रहा है, कोई अदृश्य शक्ति, आपको समझ नहीं आता होगा, आप जहाँ जाते होंगे वहाँ आपको ऐसा फील होता होगा कि आपको कोई देख रहा है। सीरियसली, वो क्यों, वो डरने की बात नहीं है उसमें, क्योंकि वो ईश्वर की निगाह है, फील होती होगी आपको, बिकॉज उसमें इतनी प्योर लेयर्स है ना, कि जब आपके ऊपर पड़ती होंगी तो आप पवित्र हो जाते हो, लेकिन आपकी जो मोह माया है वो उस पॉजिटिव एनर्जी को अब आपके पास पहुंचने नहीं दे रही है, इसलिए आप अपनी लाइफ के ट्रैक से भटक गए हो। आपकी इच्छा क्या है, आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो, आप खुद कन्फ्यूज हो, आपको कुछ भी नहीं पता। पता भी कैसे होगा, क्योंकि मोह माया से ढके हुए आपकी निगाहें। सिचुएशन को समझें और समझे ईश्वर आपको क्या देना चाहते हैं। ईश्वर सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि जो इंसान थर्ड पार्टी में आपको पुट कर रहा है, आपको लेके कंफ्यूज है, आपको वेट पे वेट कराया जा रहा है, अपना डिसीजन नहीं बता रहा है, आपको ईगो दिखा रहा है, किसी और को जाके प्रपोजल दे रहा है, तो क्या आपको लगता है आपको इस इंसान के साथ में जाना चाहिए? आपको ऐसे इंसान के साथ में अपना पूरा जीवन सौंप देना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए? जो इंसान आज एक दोस्त की कीमत भी, एक दोस्त की कीमत भी आपके सामने अदा नहीं कर पा रहा है, जो एक दोस्त का किरदार भी अच्छे से नहीं निभा पा रहा है, आपको लगता है कि परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ का किरदार निभाएंगे या निभाएंगे? मूर्ता है, मोह माया है आपकी। आज जाएं, अभी जाएं, गूगल पे देखें मोह माया का मतलब क्या होता है। अपनी लाइफ में अगर न्यू बिगनिंग चाहते हो, सरेंडर करो और सेल्फ लव में आओ, अपने आप से प्यार करो। सीरियसली, अगर आपने खुद से प्यार किया, बहुत खुश रहोगे आप अपनी लाइफ में। चलिए और देखते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, फिर हम यूनिवर्स की तरफ से भी देखेंगे कुछ मैसेजेस आपके लिए।
कभी कभी कुछ लोग को पता होता है कि ये इंसान को झेलना हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन हम उससे प्यार करते हैं, इस वजह से उस इंसान के ये सारे नफरत सहन करते हैं, उसकी अब्यूजिव लैंग्वेज, उसके साथ में अगर वो मारपीट भी करता है, थप्पड़ वप्पड़ भी देता था, तो भी आप शांत रहते हो, जस्ट बिकॉज कि मैं उससे प्यार करता हूँ, करती हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, छोड़ सकती। सारा सर मुकता है मेरे बच्चों, सीरियसली यकीन मानो मेरा, आप भी समझदार हो, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान की मति फिर जाती है, ऐसा बोला गया है, मतलब जब उसका वक्त बुरा आने वाला होता है तो उसकी बुद्धि फिर जाती है, वो एक नॉर्मल से एबनॉर्मल पर्सन हो जाता है, जहाँ पे हाँ करना चाहिए वहाँ पे ना, और जहाँ पे ना करना चाहिए वहाँ पे हाँ करता है। सी यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं माय डार्लिंग, कि आप आगे बढ़ें अपने साथ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, अपनी लाइफ में नए प्यार की खोज में निकलें, यहाँ पे ढूंढें, आपके आसपास प्यार है, लेकिन आपने अपनी आंखों को बंद कर रखा है, आपने जस्ट बिकॉज मुझे एक्स चाहिए, मुझे एक्स चाहिए, मुझे एक्स चाहिए, अगर आपने माला जप रखी है, आपने राग लाप रखा है, इसलिए आपको वो इंसान नहीं मिल रहा जो ट्रू है, जो सच्चा है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बिल्कुल वैसा है, यकीन माने, सोच कर देखें। ईश्वर का फिर से वही मैसेज है, मैं क्या कर सकती हूँ आप बताएं। मैजिशियन, जैसा कि मैंने अभी कहा आपको, आपके आसपास ही आपका लाइफ पार्टनर है, वो ट्रू पार्टनर जो आपको हमेशा एक परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ की तरह ट्रीट करेगा, आपको एक एक गॉड गिफ्ट ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करो, ना कि एक्स एक्स एक्स, बस एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करो जो लाइफ टाइम आपके रिस्पेक्ट करे, आपको समझे, और आपको कभी भी उसके सामने खुद को एक्सप्लेन ना करना पड़े, ठीक है। उस इंसान को देखकर कभी आपको लगे ही ना कि मेरा हस्बैंड या वाइफ है, हमेशा आप उसको देखकर फील करो कि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, समझ आ रहा है कुछ, सोच कर देखना। इट्स ऑफ सॉर्ट्स गाइस, जो भी नेगेटिव लोग हैं उन्हें अपने लाइफ से निकालें, सोचें समझें, और अपनी ज़िंदगी को कोशिश करें खुशहाल बनाने की, बिकॉज आप कर सकते हो, ये बहुत आसान है आपके लिए, सोच कर देखना। क्या कहना चाहेंगे आप इस बार? 11-11 ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जब आप अपनी लाइफ में ये सारी एनर्जीज को फॉलो करेंगे, देन आपकी लाइफ में आएगा आपका ट्विन फ्लेम, यकीन माने मेरा। यूनिवर्स का आज की रीडिंग, मुझे मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो जाहिर सी बात है कि मैं हर रोज़ मॉर्निंग में करंट फीलिंग लेकर आती हूँ, तो मैं करंट फीलिंग ही शूट करती, लेकिन यहाँ पर मुझे मेडिटेशन के दौरान चैनल हुआ कि आपको आज जो रीडिंग बनानी है उसका टॉपिक कुछ ऐसा होगा, कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल रीडिंग, और ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं है, जो मैसेजेस मुझे चैनल होते जाएंगे वो मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी, सॉल्यूशन बताती जाऊँगी, वही हुआ। तो मुझे यहाँ पर ये चैनल हो रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं जिनको ये लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ बिग डील होती है रिलेशन को हैंडल करने के लिए, बट माई डार्लिंग, जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज शब्द आ गया, आपको लगता है वहाँ रिलेशन बची? सोच कर देखिएगा, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, आप खुद ही सोच लीजिएगा। हाय प्रिंसेस गाइस, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, सोचें आपका दिल, आपका दिमाग आपसे क्या कहना चाहता है। दिल की जो आवाज़ होती है ना, वो ईश्वर की आवाज़ होती है, लेकिन वो माया की आवाज़ अलग होती है, ये जो आवाज़ है वो इंट्यूशन की आवाज़ है, ईश्वर की आवाज़ है, यूनिवर्स की आवाज़ है। सुने मेरे बच्चों, सुने, यूनिवर्स खुद आपको आके गोद में लिटा के थपथपा के स्टोरीज नहीं सुनाएंगे, वो सिर्फ इशारे करते हैं, समझना पड़ता है उनके इशारों को। सोचो, देन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, ट्विन फ्लेम, न्यू बिगनिंग, मजिशियन, मतलब क्या कुछ नहीं आएगा। एक छोटी सी शुरुआत आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देगी, यकीन माने मेरे बच्चों, एक बार ट्राई करके देख लो। किंग ऑफ वांड्स, सेल्फ लव में रहो, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अगर इश्यूज थे, अगर आपके करियर जॉब नहीं था, सुधरेगा लाइफ आपका। आपकी लाइफ में कोई आपकी इज्जत नहीं करता था, आपको भर भर के इज्जत मिलेगी, लेकिन शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ेगी, खुद की इज्जत खुद करना, और जो इंसान आपकी इज्जत ना करे उसको अपनी ज़िंदगी से कट कर देना, बजाय ये सोचे कि आप भले उससे प्यार करते हो, मगर जहाँ इज्जत नहीं वहाँ आप नहीं, समझ आया। इसलिए मैं कहती हूँ, जब भी मैं कोई रीडिंग करती हूँ, मैं हमेशा एक डायलॉग देती हूँ, और हमेशा मैं देती हूँ कि
आप जब भी मैनिफेस्ट करें, आप किसी का नाम लेके मैनिफेस्ट ना करें, बस कुछ अपने हस्बैंड या वाइफ की पर्टिकुलर क्वालिटीज़ लिख लें एक पेज में, और जब भी आप अपने वाइफ अपने हस्बैंड को मैनिफेस्ट करें तो उन क्वालिटीज़ को जरूर मेंशन करें कि मेरी वाइफ में हे ईश्वर, हे अल्लाह, मेरे गॉड, मेरे वाहे गुरु, कि जब भी मैं जब भी मेरी वाइफ मिले तो उसमें ये क्वालिटीज़ ज़रूर हों, जब भी मेरा हस्बैंड मुझे मिले उसमें ये क्वालिटीज़ ज़रूर हों, ठीक है। और कभी भी नाम लेके नहीं बोल रहा है कि उस इंसान में ये क्वालिटीज़ हो, नो 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 नो, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। फिर से दोहरा रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। बस नाम आप अपने एनर्जीज लीजिए, नाम बिल्कुल नहीं लेना है आपने, कि हे ईश्वर मेरी वाइफ में ये क्वालिटीज़ हो और जो मेरे लिए सही हो, इस लाइन को ज़रूर मेंशन करना, जो मेरे लिए सही हो वो मुझे मिले। और यकीन माने आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से होगी, लेकिन ये बार बार माला जपना बंद करें कि मेरा मान लीजिए अगर नाम लूँ मैं मोहन नाम लूँ मैं कि मुझे मोहन नाम का चाहिए, नो बिल्कुल नहीं। आपको ईश्वर पे छोड़ देना है किससे होगी किससे नहीं, आपको बस अपने लाइफ में किस तरह का आपको हस्बैंड चाहिए ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। अब जैसे आप किसी भी शॉप पर जाते हो, आपको जो चीज़ चाहिए होती है आप उसी का नाम तो लेते हो कि मुझे इस टाइप की चीज़ चाहिए, तो आपको उसी टाइप की चीज़ निकाल के देते हैं, ठीक है आप ये लीजिए आपकी डिमांड पर, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आपने मांगा कि मुझे बैट देखना है, वो आपको कर्टन दिखा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना, है ना। तो ईश्वर को आपको बताना पड़ता है, हे ईश्वर, हे अल्लाह, गुड गॉड, जिन्हें भी आप मानते हैं, मुझे इस तरह की क्वालिटीज़ अपने वाइफ या हस्बैंड में चाहिए, प्लीज़ आप मुझे इस तरह की वाइफ दें कि उसमें ये इस तरह की क्वालिटीज़ हों, ठीक है। यकीन माने आपको वो सब मिलेगा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने वाइफ और हस्बैंड के लिए, लेकिन सब्र रखना पड़ेगा मेरे जान, आपको सब्र रखना पड़ेगा और आपको अपने अंदर वो चेंजेस लाने होंगे। जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा आप उसे कट कर देंगे, ठीक है। और अगर किसी इंसान से आप कितना भी प्यार करते हैं लेकिन वो इंसान आपसे पैसे लेता है, आपकी इज्जत नहीं करता, बहुत गंदे तरीके से आपको ट्रीट करे, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूँगा मैं, जो मुझे ठीक लगेगा वो करूँगा मैं, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूँगी मैं, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले, तुम मुझे होते कौन हो मुझसे कहने वाले कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, अगर इस तरह की कोई बातें कर रहा है ना, उससे बोल बेटा तू निकल, तू अपने हिसाब से ज़िंदगी जी, मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगा, तुझे तेरी ज़िंदगी मुबारक, मुझे मेरी ज़िंदगी मुबारक, ठीक है। थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा मेरी जान, आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज़ जिसके लिए आप सॉफ्टी हो रहे हो ना, वो आपको इस शॉर्ट से उड़ाकर चला जाएगा, यकीन मानो मेरा। यकीन ना हो तो आज बात कर देख लेना। वाओ, दोनों कार्ड बड़े प्यारे आए हैं। या आई थिंक मुझे इसको हटा के इसको आप यहाँ रखना चाहिए। या गाइस, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे डिवाइन की तरफ से, जैसे कि मैंने अभी कहा कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि मेरे बच्चों आपको कुछ इस तरह के चेंजेस अपने लाइफ में लाने की ज़रूरत है और वो चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे, सो वो चेंजेस अपने लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करें। जो डिवाइन आपको ऑर्डर दे रही है, जो डिवाइन आपको बता रही है, उसको फॉलो करें अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने इंट्यूशन को, अपने डिवाइन के द्वारा दिए हुए ऑर्डर्स को, अपने डिवाइन के द्वारा हुई हीलिंग को, अचीवमेंट को, सबको आपको फॉलो करना है, ठीक है। और एक लाइट अपने अंदर, अपने सोल में एक लाइट लाएं, मतलब एक रोशनी फैलाएं अपने अंदर, दूसरों के वजह से अपनी लाइफ को जज ना करें, ठीक है। अपने आपके अंदर से जो गाइडेंस आ रही उसको फॉलो करें मेरी जान, मेरे बच्चों करें फॉलो। आज की रीडिंग बहुत स्पेशल है, इसलिए मैंने स्पेशल की है, आई होप कि आपको पसंद आई हो। तो ये है आपकी फाइल फॉल फर्स्ट, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कीजिएगा मुझसे इंस्टा पर और ईमेल पर, मैं आपसे लूँगी अब अगली वीडियो में, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर एवरीवन। हेलो पायल टू, जिन्होंने भी ये वाला टैग चूज़ किया था, सबसे पहले तो आपको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन आपका बहुत शुभ रहे, बहुत स्वस्थ रहे, आपका जीवन में बहुत सारा ब्लेसिंग्स आए, बहुत सारा लक आए, आपकी हर दुआ कबूल हो, आप
सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी में फैसले लो। ईश्वर आपको बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बुद्धि, बहुत सारे सद्बुद्धि से नवाजे। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, पाइल टू हमेशा आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहें, कभी भी कोई आपका फ़ायदा ना उठा पाए। कोई भी गलत इंटेंशन से इंसान अगर आपकी लाइफ में आता है तो कभी भी वो आपको नुकसान ना पहुँचा पाए, यूनिवर्स आपको पहले ही बचा ले। मैं ये प्रार्थना ईश्वर से करती हूँ आप सभी के लिए। और आज की जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो टाइमलेस है और जर्नल रीडिंग है। हर किसी रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, जिससे भी रेजोनेट हो उसे रख लेना है, जिससे रेजोनेट ना हो उसे जाने देना है, ठीक है। और आज की रीडिंग किसी भी पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं हो रही है, इसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान देख सकता है, ठीक है। तो आप कोई भी हैं, किसी भी धर्म से हैं, तो यहाँ पे किसी भी धर्म जाति को लेके कोई विरोध नहीं किया जाता, या आप इस रीडिंग को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे अपने भाई और बंधुओं के लिए बनाई है, तो सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इस कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल में आपके लिए, आपके लव लाइफ में क्या रहा है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग नहीं हो रही है, जो चैनल मुझे होते जाएंगे मैसेजेस वो मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, और जो गाइडेंस आपको बताने के लिए मेरी इंट्यूशन मुझे बोलेगी वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टैरो आपको क्या बताते हैं कि इस कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल में आपके लिए क्या आ रहा है। तो देखते हैं पार्ट टू इस कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल में आपके लिए क्या आ रहा है। पहला कार्ड है आपका सेवन ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, देन है आपका फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। किसी का वेट चल रहा है काफी बेसब्री से, दिल में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, राइट। बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। यहाँ मुझे कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है पाइल टू, जो कि फीलिंग्स तो भर भर के हैं लेकिन एक्सप्लेन नाम को नहीं किया है। और इतना मतलब कहते हैं ना, कोई फीलिंग अगर आप एक्सप्लेन कर दो तो वो बोझ हल्का हो जाता है। चलो हमने शेयर कर दिया, देन अब वो चीज़ हल्की हो गई, उस चीज़ का वजन हमारे दिमाग, हमारे दिल से चला गया। लेकिन यहाँ पर कोई मुझे एक ऐसा इंसान देख रहा है जिसने ना तो शेयर किया है, ना ही शायद खुद में एक्सेप्ट किया है कि मेरे मन में इस तरह की फीलिंग्स है। अगर खुद में एक्सेप्ट कर भी लिया है तो एक्सप्लेन नहीं किया है, और वो जो एक्सप्लेन ना करने का दर्द है वो मैं देख पा रही हूँ। बहुत दर्द में है आप पाइल टू। कोई ऐसा व्यक्ति मुझे देख रहा है इस वक्त जिसने फीलिंग होने के बावजूद भी अपने पार्टनर को बताया नहीं कि उसके मन में कितनी फीलिंग्स हैं, और इसलिए वो तड़प रहा है। डेथ कार्ड। हो सकता है यहाँ पे किसी ने रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश की, या फिर उसको लग रहा है ऐसा कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। स्कॉर्पियो या फिर सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। फूल वाटर साइन कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो और साइन टॉरस वो कैप्रिकॉर्न स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस एंड फूल स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस। टू ऑफ कप्स वाटर साइन कैंसर पाइसिस एंड स्कॉर्पियो अर्थ साइन में बोलने वाली थी, या फायर साइन आपका है यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्स एरीज लियो सैजिटेरियस। अरे दो कार्ड्स आ रहे हैं ना बाबा, दो कार्ड्स नहीं चाहिए। आप भी मुझे हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी ज़रूर बोलिएगा अगर आपकी इच्छा है तो, ओके। मुझे भी अपने दिल की बात ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपकी इच्छा है तो। ऑर्गेनिक वेरियस, ओके। बॉटम में है आपका सिक्स ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन एंड थ्री ऑफ वंड्स। सो पाइल टू, किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हो लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, किसी से बहुत बोलने की इच्छा है लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रही है, या तो थ्रोट चक्र ब्लॉक है या फिर पूरी एनर्जी ही ब्लॉक है। सेवन के सेवन चक्र ब्लॉक हैं आप लोगों के, ठीक है। यहाँ पे स्टार कार्ड आया है, तो या तो आपके पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रही हैं जिनको आप शायद याद ना करना चाहें लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दुख देने वाले हैं,
इसी वजह से आप अपने करंट सिचुएशन को अपने पास्ट सिचुएशन से जज कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सो माय डार्लिंग, पाइल टू, आपको यहाँ पर जो भी कुछ पास्ट में हुआ उससे बोला जा रहा है अपने आप को हील करने के लिए। आपके जो चैनल मैसेजेस हैं, जो आपको आज के कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल पे आपको दिए जा रहे हैं, आपके यूनिवर्स, आपके एंजल्स, आपके भगवान, आपके अल्लाह, आपके गॉड, आपके वाहे गुरु की तरफ से, वो ये है कि आपको लेट गो करना है पास्ट को। क्या करना है आपको? अपने पास्ट से मूव ऑन होना है। अगर वो पास्ट काफ़ी दर्दनाक था, अगर वो पास्ट काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक था, डेविल एनर्जी में था, तो डार्लिंग इस एनर्जी से मूव ऑन कर जाएं। क्यों? डेथ कार्ड है, फूल कार्ड है एंड स्टार कार्ड है। ये तीनों कार्ड्स आपको बोल रही है कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसको बार 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 सोचना बंद करें, ऐसे टॉक्सिक इंसान के बारे में सोचना और उसका वेट करना बंद करें, ऐसे इंसान को लेकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करना, अपने आप को हर्ट करना, अपनी एनर्जीज को बर्बाद करना बंद करें और अपने आप में उस इंसान से थोड़ी सी दूरी बना लें। जिस इंसान ने कभी आपके करीब था ही नहीं, वो आपका एक तरफा था, क्योंकि यहाँ पे जिसकी भी एनर्जी है, या तो आपने किसी को अपनी एनर्जी एक्सप्लेन नहीं की है, अगर आपने किसी के साथ में की है तो उस इंसान ने एक्सेप्ट नहीं की है। तो यहाँ पर जब तक आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता माय डार्लिंग फाइल टू, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। ओके, ऐसे इंसान का वेट आपको नहीं करना है और रोना तो बिल्कुल नहीं है ऐसे इंसान के लिए, ठीक है? क्योंकि आपकी पहली ड्यूटी क्या बनती है कि आप सच को एक्सेप्ट करें। और सच क्या है? सच ये है कि अगर आपके दिल, आपका इंट्यूशन अगर ये बोलता है कि आपको चेंज करना है खुद को, आपकी एनर्जी अगर कहती है कि माय डार्लिंग आप मूव ऑन करें, अब ज़िंदगी आपका एक नए मोड़ पे इंतज़ार कर रही है, अब ज़िंदगी आपको कोई नए तोहफे देना चाहती है, तो क्या आप उन्हें मना कर देंगे? नहीं ना, क्योंकि ज़िंदगी में बदलाव सबसे बड़ा माना जाता है। अगर ज़िंदगी में भगवान चाहते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज करें, यानी कि अपने रहने सहने में चेंज करें, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको मैसेजेस देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, कि आपको कहीं ना कहीं ये मैसेज मिलता है कि या तो आप अपने हेयर स्टाइल चेंज कराओ, अपना गेटअप चेंज कराओ, अपने रहने का जो ड्रेस सेंस है उसको चेंज करो। हर किसी की इंट्यूशन उसको हर रोज़ कोई नया नया लेसन सिखाती है, आपकी भी इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती है, लेकिन आपको वो थोड़ा स्पिरिचुअल वे पे सिखाती है, ठीक है, सेल्फ लव की वे पे सिखाती है। लेकिन जो कि एनर्जी मैंने पाइल फर्स्ट में कैच की थी, वही पाइल टू में है, ठीक है? जिसे आप प्यार कहते हैं, बेशक वो प्यार है, निस्वार्थ वो प्यार है, लेकिन प्यार से ज़्यादा मोह माया आप पे काबू पा चुकी है, आप पे मोह माया इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है कि आप अंधे हो चुके हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस प्यार करता हूँ, पीछे जा रहा हूँ, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, इज्जत से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, फीलिंग से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, रो लिए, आंसू बहा लिए, सिसकी भर ली, रात भर भी आंसू बहा लिए, लेकिन हुआ क्या? शून्य, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप टाइम वेस्ट कर रहे थे एक ऐसे इंसान के साथ में जिसको आपकी परवाह ही नहीं। अगर उस इंसान को एक बात मैं आपको बता दूँ, जो कि काफ़ी पॉइंट की है और शायद ही कुछ लोगों को समझ में आए और कुछ को आ भी सकती है, तो वो ये है कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी लड़का, लड़की, पति, पत्नी, इवन दोस्त, अगर आपसे बहुत प्यार करते हैं, कभी भी आपको रोता हुआ नहीं देख सकते, कभी भी आपको परेशान नहीं देख सकते, हर बुरे वक्त में आपका साथ निभाते हैं, भले ही आपने उनका साथ निभाया हो ना निभाया हो, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं सिचुएशन कैसी भी हो, ठीक है, आपको प्यार करते हैं चाहे आपने कितनी भी गलतियाँ की हो, आपने भले कितनी गलतियाँ की हो, ठीक है, उस पर थोड़ा बहुत चिल्ला दिया, लेकिन आपको अच्छे का बारे, मतलब आपको अच्छी एनर्जीज के बारे में बताना कि बेटा इस काम को ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे करते हैं, आपने इस ऐसे किया इस वजह से ये गलत हो गया, आपको सही के बारे में बताना, ये नहीं कि चढ़ बैठे तुमने ऐसा कर दिया। नो, अगर कोई ऐसा कर रहा है और जो एनर्जीज मैंने बताएं उसका अपोजिट कोई पर्सन है, नाम को सपोर्ट नहीं करता, नाम को इज्जत नहीं करता, समझना तो दूर दूर तक नहीं है, कॉल मैसेज का बैग तो दूर की बात है, वो तो शायद आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल के बैठा हुआ है, तो ये प्यार नहीं है मेरी जान, ये आपकी मोह माया है, ऐसी मोह माया से बाहर निकलें, ठीक है, और सच को समझें
कि मैं प्यार में हूँ लेकिन सिर्फ वो माया में। बेशक आपका प्यार सच्चा है, मैं आपके प्यार की तौहीन नहीं कर रही हूँ और ना ही किसी को जज कर रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से प्यार कर रहे हैं शायद वो गलत है। ठीक है, अपने आप को सामने रखें, अपनी पहली ड्यूटी बनाएं, उसके बाद जो लाइफ में करना है करें, क्योंकि लाइफ आपसे चेंज मांगती है और अगर आप लाइफ को चेंज नहीं देते हो तो फिर लाइफ आपको चेंज कर देती है। कैसे? कि जिस पार्टनर के आप पीछे भाग रहे हो वो उसी को आपसे दूर कर देती है। इसको हम कहते हैं एनर्जी, इसको हम कहते हैं डिवाइन पावर, क्योंकि डिवाइन आपसे चाहती है कि आप खुद को हील करो, पास से आप लेट गो करो ऐसे इंसान को, लेकिन आप पकड़ के बैठे हो। आप उसी इंसान के साथ में जाना चाहते हो, आप उसी इंसान के साथ में एकल गिव एंड टेक चाहते हो, तो ईश्वर आपको कैसे दे देगा? इसीलिए फिर वो सामने वाले इंसान यानी कि आपके पार्टनर का दिमाग ऐसा कर देता है कि वो खुद ब खुद आपको छोड़ के चला जाए, वो खुद ब खुद आपसे लड़ाई करने लगे, ताकि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ। आप फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करो, लेकिन आप एक हाथ से ताली नहीं बजती ना। आप कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ करो, पार्टनर के बिना आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते माय डार्लिंग, कभी नहीं कर सकते। कैसे करोगे जब साउंड वाला इंसान ही आपसे बात करने को राज़ी नहीं है? तो है ना, तो इस सिचुएशन को आपको समझना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपने आप को हील करना है कि मैंने बेशक बहुत प्यार किया लेकिन मुझे बराबर का प्यार कभी नहीं मिला। इस सच को एक्सेप्ट करें और अपने लाइफ में बराबर के प्यार को ढूंढें, मैनिफेस्ट करें, मांगें ईश्वर से, वो आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप मांगते ही नहीं हो। ईश्वर भी क्या करें, आप तो बस एक्स एंड एक्स एंड एक्स, नेक्स्ट आपको चाहिए ही नहीं। मान लीजिए अगर आपकी लाइफ में, आपके नसीब में नेक्स्ट ही बेस्ट है, तो आप क्या कर सकते हो? नसीब है अपना अपना गाइस, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई ट्रू लव करके भी अकेला रह जाता है और कोई इंसान झूठ बोलकर भी किसी इंसान को अपनी तरफ खींच लेता है। मतलब अगर मैं उदाहरण के लिए बोलूँ तो एक इंसान है और उस इंसान के बीच दो लड़कियाँ हैं, एक बहुत सच्चा प्यार करती है और एक ने झूठ के दम पर उसे छीन लिया। ठीक है, तो एक बात बताइए, साथ कौन सी वही निभाएगी, जिसने झूठ बोला उसने या जो ट्रू लव कर दी थी उसने? सोच कर देखिएगा। यहाँ पे मैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज में, यानी कि आपके एक्स और नेक्स्ट में अंतर करना बताया है, सोच कर देखिएगा। ठीक है, चलिए और मैसेजेस देखते हैं, क्योंकि जब भी घर वाले कोई एनर्जी, मतलब कोई पार्टनर जब ढूंढते हैं ना, वो सही ढूंढते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोचें जो मैंने क्वालिटीज़ बताई अभी, हस्बैंड की, दोस्त की, पार्टनर की, अगर वो सारी क्वालिटीज़ आपके पार्टनर में हैं तो मुबारक हो, आप बिल्कुल सही संगत में हो। और अगर नहीं है तो मेरी जान, आज ही अपनी एनर्जीज़ को चेंज करें, आज ही अपने रास्ते को आगे बढ़ने से अपने कदमों को रोक लें, अदरवाइज़ खुशियाँ सेवन ऑफ सोर्स में चेंज हो जाएंगी। एक चीटर इंसान आपके हिस्से में आएगा जो कभी आपका साथ नहीं निभाएगा और हमेशा आपको स्टक रखेगा, कभी आपको कमिटमेंट नहीं देगा। सिचुएशन को समझे, ईश्वर खुद आके आपको नहीं आएंगे बताने कि बेटा ये करना है आपको। जिस तरीके से हमारे मम्मी पापा हमको डांटते हैं जब हम कोई गलती करते हैं, ईश्वर नहीं डांट पाते, बिकॉज वो एक सोल है, एक आत्मा है और आत्मा कभी किसी से बात नहीं करती, है ना। तो ईश्वर सिर्फ इशारा करते हैं, इंट्यूशन बनकर, आपका दिल की आवाज़ बनकर। अगर आपको सुनना नहीं आता, ये आपका प्रॉब्लम है ना, ईश्वर तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वो तो आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, ना फॉलो करते हैं, आपको गाइड करते हैं, फॉलो आपको करना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी कुछ लोग मोहमाया में आके बोलते थे, अरे नहीं 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 मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, क्योंकि रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज से ही चलता है। तो अगर आपके ये थॉट हैं तो आप बिल्कुल गलत ट्रैक पर हैं मेरी जान, बिल्कुल ही गलत ट्रैक पर। आप आज और अब इसी वक्त आप किसी अच्छे काउंसलर से बात कीजिए, जो कि बताएगा आपको, इन द सेंस किसी टैरो का रीडर से बात कीजिए। मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे वर्ल्ड में थ्री ऑफ वांड्स, किसी भी ऐसे इंसान का वेट करना बंद करें जो आपके लिए टॉक्सिक है, जिसने कभी भी आपको हक नहीं दिया, जिसने कभी भी आपको समझा नहीं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपकी फैमिली को लेके गलत वर्ड यूज़ किए, आपकी फ्यूचर को, आपके कैरेक्टर को लेके गलत वर्ड यूज़ किए, सिर्फ और सिर्फ आप उससे प्यार करते हो, कॉम्प्रोमाइज़ नाम बोल करके आप इस एनर्जी को नहीं छोड़ सकते कि नहीं, इस इंसान के साथ में आपका आने वाला फ्यूचर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। समझिए इस चीज़ को और ऐसे इंसान के साथ में अपना टाइम वेस्ट करना बंद करें, बिकॉज आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो और आप वही डिज़र्व करते हो
तो अपनी लाइफ को अच्छी एनर्जीज में ट्रांसफ़र करें, बुरी एनर्जीज में नहीं। और वेट करना बंद कर रहे हैं ऐसे इंसान पर आप, ठीक है। सी फोर ऑफ वन्स, मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में एक हस्बैंड को, एक वाइफ को, एक लॉयल पार्टनरशिप को, यानी कि शादी कमिटमेंट को, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा फरिश्ता जो गॉड गिफ्ट हो, जो आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बना दे। आप भले कितने भी बुरे हो, लेकिन वो जब आपकी लाइफ में आए तो वो आपको सुधार दे। एक ऐसा पार्टनर जिसे देखकर आपको लगे कि ये इंसान मेरा बेस्ट फ्रेंड है, एक ऐसा इंसान जिसे देखकर आपको लगे कि ये वही इंसान था जिसको ढूंढने में मैंने काफ़ी वक्त लगा दिया, और जिस इंसान की वजह से शायद मेरा जो पार्टनर था, मेरा एक्स, उसके जो शायद मैं उसको अपना पार्टनर समझ बैठी थी, लेकिन वो क्वालिटीज़ मुझे इस इंसान में मिली। जब भी आप मैनिफेस्ट करें, किसी का नाम ना लें, ठीक है। जब भी आप अपनी शादी मैनिफेस्ट करें, कभी भी अपने प्रेजेंट पार्टनर का नाम ना लें, और ना ही कभी ये बोलें कि किसको आपको चाहना है। बस ये मैनिफेस्ट करें कि आपकी लाइफ में जो पर्सन आए पर्टिकुलर, वो इतना प्यारा हो, इतना अच्छा हो कि एक आइडियल हस्बैंड या वाइफ बने, ठीक है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कुछ भी आपकी लाइफ में रहा, मान लीजिए अगर आप कुछ ऐसे पर्सन देख रहे हैं जिन जो कि एक टॉक्सिक मैरिज से डील कर रहे हैं, तो आप ऐसे रिश्ते से अगर आप अपनी इच्छा से बाहर आना चाहती हैं या आते हैं जाना चाहते हैं तो बेशक आ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जिस इंसान का वेट कर रहे हो, यानी कि आप जो शादीशुदा मुझे देख रहे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ में आपका रिलेशन सुधर जाए और वो अपने लाइफ में मूव करें आपकी तरफ, आपकी लाइफ आपकी तरफ बढ़े, सब कुछ भूल कर आपकी आप दोनों एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ें, आपके बच्चे आपका परिवार बने, तो बेशक यकीन माने ये ज़रूर होगा, ठीक है। अपनी नीयत हमेशा साफ रखें, ठीक है। कभी भी किसी के बारे में गलत ना तो बोलें और ना ही गलत सोचें, ठीक है। उसके साथ ऐसा हो जाए, उसके साथ वैसा हो जाए, भगवान ये वो, किसी की खुशी से कभी मत जलना, ठीक है। तब आपकी लाइफ में खुशियां मैनिफेस्ट होती हैं। रोए नहीं, ठीक है, रोए नहीं बिल्कुल भी, और इत्मीनान रखें, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है और जिसने सब्र रखा है उसको फल दो गुना मिला है, यकीन माने। सीरियसली, चाहे आप करियर में देख रहे हैं, चाहे आप लव लाइफ में, चाहे मैरिज लाइफ में, अगर आपकी शादी भी नहीं हो पा रही है तो दुखी ना हो, आपके जीवन में आपकी ट्विन फ्लेम से आपकी शादी होगी, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो शायद उसके जैसा कोई भी इंसान नहीं होगा, वो एक आइडियल पर्सन होगा या होंगी, अगर आप फीमेल या मेल जो भी देख रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल, और साइन डेविल, हर्मिट, ओके, वाटर में है आपका हाई प्रेस्टिस, एक्सक्यूज मी, या हाई प्रेस्टिस, किंग ऑफ कप्स, दो है क्या, नहीं है क्या, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वंड्स। कोई इंसान, पाइल टू, अगर कोई इंसान आपके सामने कुछ डिमांडें रखता है, वो डिमांड कुछ भी हो सकती है, पैसों को लेके हो सकती है, वो फिजिकल नीड को लेके हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपका पर्सन बहुत ही नीडी पर्सन हो, उसको आपको चूज़ करने का, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे किसी किसी के लिए कि आपका पार्टनर आपके साथ में काफ़ी सारे इंसान को डेट कर रहा है, अगर आप मेल भी देख रहे हैं तो भी मैं कहूँगी, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही सोच समझकर, अगर आपको पता है यहाँ पर कि आपका पार्टनर एक्चुअल में इस एनर्जी में है और वो किसी के साथ भी जा सकता है, तो ही आपको इस एनर्जी को रेजोनेट करना है, खुद से ज़बरदस्ती खुद पर नहीं थोपना है, ठीक है। मैं फिर से बोलूँगी, ज़बरदस्ती खुद पर नहीं थोपना है, अपने आप को समझें, समझाएँ, एनर्जीज को चेक करते हुए अपने आप से रेजोनेट करें। फोर ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर, तो कोई एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है जो कभी भी आपको अपने दिल की बात नहीं बताता, जो कभी भी आपसे घुलता मिलता नहीं है, जो कभी भी आपके साथ नहीं चलता, आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं बताता, इवन आपकी प्रॉब्लम बनता है उल्टा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, टेंशन क्रिएट करना, आपको गंदा बोलना, आपसे गंदे तरीके से बात करना, नॉट वैसा एब्यूज टाइप, नॉट वैसा, मतलब एक
एक तरीके से फ्लर्ट जो होता है ना, फ्लर्ट करते हैं कुछ लोग, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के, तो वो फ्लर्टी नेचर बहुत ज़्यादा होगा आपके पार्टनर का, और आपसे केवल फ्लर्ट करते होंगे, जब भी बात करते होंगे फ्लर्ट करते होंगे, या फिर हो जाता है आपको फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए डिमांड रखते हों कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हो, आपको करना चाहिए ये वो, यू ना इस तरह की। तो अगर इस तरह का कोई इंसान आपकी लाइफ में है तो आज ही पीछे कदम कर लें, ठीक है। और अगर आप हो चुके हैं इस इंसान के साथ फिजिकल, तो क्या ही मैं कहूँ, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी कि इंसान अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर जो क्वालिटीज़ मैंने हस्बैंड की बताई हैं, वाइफ की बताई हैं, या फिर पार्टनर की जो मैंने बताई हैं, अगर वो सारी क्वालिटीज़ आपके इस इंसान में हैं तो ठीक है, आप सही संगत में हैं, अदरवाइज़ नहीं है तो आप गलत संगत में हैं। आज और अभी खुद को बचाएं और इन सब से बाहर निकलें। बॉटम में हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे हर्मेट, अपनी अवेकनिंग करें, सच को एक्सेप्ट करें, बजाय इस बात के कि आप कितना प्यार करते हो, आप कितनी मोह माया में डूब चुके हो, क्योंकि प्यार और मोह माया में बहुत अंतर होता है। अगर आप प्यार करते हो तो आप खुद से भी बराबर प्यार निभाते हो। हाई प्रिस्टेस यहाँ पर है, जहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं वहाँ आप नहीं, और अगर जहाँ पे आपको नहीं समझा गया वहाँ पे आप ऐसे इंसान को कट कर दोगे, ऐसे इंसान से मूव ऑन कर जाओगे, रोना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। इसलिए अगर प्यार करते हो तो पहले खुद से प्यार करो, देन आप किसी और को ब्लेम करना कि भाई तूने मुझे प्यार नहीं दिया, तूने मुझे को समझा नहीं, समझिए आप। तो यही है ये बॉटम में जो कार्ड है वो फाइल फर्स्ट के बॉटम में भी आया था। गाइस आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके जो कनेक्शंस हैं अर्थ को लेकर, धरती को लेकर, आप उसके साथ में थोड़ा जुड़िए। कहने का मतलब आप अपनी लाइफ में, अगर आप कोई, अगर आपकी लाइफ में कोई काम नहीं बन रहा है तो जहाँ पर भी आपको ठीक लगे, मतलब पार्क में, आपके घर के आसपास, आपके घर में ही कुछ पेड़ पौधे का विकास करें, ठीक है, दान पुण्य करें। अगर आपकी लाइफ में आप काफ़ी तरक्की चाहते हैं लेकिन आपकी लाइफ में तरक्की नहीं आ रही है, तो आपको यहाँ पे दान दक्षिणा करने को कहा जा रहा है, लेकिन अपनी धरती से जुड़कर। आप काफ़ी हाई अथॉरिटी पर हैं, ओके, देन आपको अपनी धरती को नहीं छोड़ना है, घमंड में नहीं आना है, ठीक है, लोगों की इंसल्ट नहीं करनी है, लोगों की मदद करनी है, ठीक है। एक तरीके जैसे अर्थ गाया होती ना, वही है जे, ठीक है। तो आप अपनी धरती की स्वच्छ रखें, अपने आसपास के माहौल को, आप पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, दान दक्षिणा करें, जानवरों को कुछ खिलाएं, पक्षियों को, कीट पतंगों को कुछ खिलाएं, जैसे चींटियां हैं, पक्षियों के लिए पानी भरना, उनके लिए दाने डालना, गाय जो होती हैं हमारी कॉलोनी के, जो वो होते हैं डॉगी वगैरह, उनको कुछ ना कुछ देना, अपनी तरफ जो आपकी श्रद्धा हो वो दें आप, लेकिन कभी डॉगी को मीठा मत खिलाइएगा, ठीक है। हाँ, आपको किसी ने पर्टिकुलर बताया तो बात अलग है, वरना डॉगी को मीठा कभी नहीं खिलाना चाहिए, उसको रैशेज हो जाता है, उसको वो जो बोलते हैं ना हिंदी में बोलते हैं खुजली टाइप, वो हो जाता है उनको, और फिर वहीं से उनको ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो कभी भी डॉगी को कुछ मीठा कभी ना खिलाएं, अगर खिलाते हैं तो आँख से बंद कर दें, ना चाय ना कुछ भी मीठा, ठीक है। उसके अलावा आप जो देना चाहते हैं उसको खिलाएं, ठीक है। अगर आपके खिलाने की वजह से उसको रैशेस हो गया, उसको खुजली हो गई, तो उस फिर उसको ब्लीडिंग, उसको दर्द हुआ, तो वो पुण्य की वजह पाप में बदल जाएगा। इसीलिए खिलाएं, लेकिन मीठा कभी ना खिलाएं, ठीक है। और ऐसा कभी नहीं करना है कि घर से बच गया दान डाल दिया, नो, अलग से निकाल के रखें। माँ आपके जो आपके घर में काम करती है उनको पहले ही बोल दें, माँ करती हैं या फिर कोई आपने हेल्पर रखा हुआ है अपने घर में, उनसे बोल दें कि आप जो पहला जो होता है, जो चपाती बनाते हैं, वो जो पहली होती है वो गाय के लिए होती है, लास्ट वाली जो होती है वो कुत्ते के लिए होती है, ठीक है। तो वो आप निकालें और रोज़ चिंता से खुद खिलाएं, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज़ का। आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, जो आपने लूज़ कर दी है, उसको बाहर लेकर आएँ, संभालें, और अपने अंदर की आग को बुझने ना दें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बुझने ना दें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बराबर खड़े रहें, ठीक है। और आपको मूव करना है अपने सेल्फ में, अपने ट्रू सेल्फ में, जो आप असली में हैं, जब आप इस इंसान से मिले थे,
उससे पहले आप क्या थे, उस इंसान को वापस लेकर आओ, उस ट्रू इंसान को जो बिंदास था, जो सच्चा था और जो किसी से नहीं डरता था, इनफैक्ट किसी को खोने से तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिंदास, एकदम बिंदास हो जाओ, चाहे लव लाइफ हो, करियर लाइफ हो या लव लाइफ हो, कुछ भी, बस हेल्थ को लेके बिंदास मत होना भाई, उसका तो बराबर ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं इंस्टाग्राम और ईमेल पर। अपने हस्त्रे का अगर आप बुक करवाना चाहते हैं, यानी कि आप देखवाना चाहते हैं आपकी शादी कब तक होगी, किस डेट तक होगी और आपके बच्चे कितने होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, ये सब कुछ आपकी हस्त्रेखा से पता लगाया जा सकता है। तो उसके लिए आप अपने हस्त्रे का बुकिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप रीडिंग बुक करवा सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।